ये भी सारे नर कुर्बानी के लिए, माशाल्लाह। ये तो अभी तैयार नहीं है ना कुर्बानी के लिए, इसको फिर आप चेक करेंगे जो कुर्बानी के लिए धुंधे हैं बस। हाँ धुंधा ज्यादा चलता है ना, उसका रेट कम हो जाता है। अभी जो है ना रमजान के बाद जो है इनको नहलाएंगे, नहाएंगे फिर साफ रखेंगे, यानी इसका मेकअप वगैरह करेंगे। इंशाल्लाह ये अभी भी मेकअप के अलावा भी माशाल्लाह बड़े हैं, आप लोगों ने जो इसका ख्याल रखा है बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं इनका, जो आपका अमल है माशाल्लाह बहुत बड़ा मेहनती है। अच्छा ठीक हो गया। मगर ना जब ये लाए थे ना इनकी हालत देखने वाली थी, ये जिस तरह कचरा नहीं कहते, हाँ ये वो चीज़ नहीं, मेहनत हो जाए इंशाल्लाह फिर हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। चारा जो है ना फ्रेश मिलता है, अच्छा मिलता है। अच्छा जो अंदर है बकरीन है, लोशन बहुत अच्छा चाह रहा है, इसमें 16% से ऊपर प्रोटीन होती है। अच्छा इस तरह फिर ये गंदम जो है ना, जो आप ये आपने देखी है ना, बिल्कुल गंदम देखी है, कोने का निकला है जारे के लिए। अच्छा और इसके लिए कितनी ज़मीन आप लोगों ने रखी हुई है? इसके लिए ये तकरीबन हमारी 1400 कनाल में गो फार्म का एरिया निकाल है, तकरीबन 300-400 से बाकी आधार कनाल तो होगी। इसमें आप लोग का मुर्गी फार्म भी है ना, एडी मुर्गी फार्म मेरे ख्याल में। ठीक माशाल्लाह आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम।